नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉपर एक क्लास में स्वागत है। हम आपके समक्ष एक प्रश्न रख रहे हैं, आप इसका आंसर दीजिए। तो आप सबके सामने एक सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। आप गिन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर जरूर जल्दी दीजिए। आइए हम बताते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले आप काउंट करना शुरू कीजिए। यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हुए। अब देखिए, इसे 1, 9 और 10, 11, 12। अभी हमने अलग अलग त्रिभुजों को गिना हुआ है। अब देखिए, और आगे अब कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए, सॉरी, देखिए, अब इसमें जो गिनती करेंगे, अब इनको हम साथ मिलेंगे। अब देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक ये ले लिए, दोनों त्रिभुज साथ में ले लिए, और इधर भी इस तरह से दोनों त्रिभुज को साथ में लेंगे, इधर भी इस तरह से दोनों त्रिभुज साथ में ले लेंगे, इधर भी इस तरह से। तो हमारे उस तरफ 12 थे, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे, देखिए, ये होगा 13, ये 14, ये 15, ये 16, हमारे पास 16 हो गए। अब देखिए, हमने अभी तो यहाँ पर इनको इनको और इनको 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 काउंट कर लिया था। अब देखिए, अब किस तरह से करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से कि यहाँ से ये एक त्रिभुज बना है ना, इसी तरह से नीचे भी दिखा, आप सभी को दिखा। तो कितना, 16 हुए, ये 17, ये 18। अब देखिए, और दो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए कैसे। अब आप ये देखिए, यहाँ से ये मिला, और फिर इसी तरह से ये भी, ये हो गया 19, ये हो गया 20। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 20 आया, तो ये डी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।